4.5 लाख पेंशनरों को न्यायोचित मांगों के लिए आज हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार आवेदन निवेदन के बाद भी सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं रही है। एक तो केंद्र के समान हमको महंगाई भत्ता दिया जाए, क्योंकि महंगाई सबके लिए बढ़ती है। केंद्र में महंगाई भत्ता दिया जाता है, हम तरसते रहते हैं, बार बार मांगते हैं, देते नहीं। एक है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो पुनर्निर्माण की धारा जो लगा दी ने 49, इसके आड़ में जो है वो छत्तीसगढ़ से अनुमति लेने के बाद ही हमारी जो है मांग पूरी की जाती है, इसको भी ये अनुचित है, इसको अविलंब समाप्त किया जाए। छठा वेतन का और सातवें वेतन का एरियर करीब 5 साल का एरियर बचा हुआ है, वो भी शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि कोर्ट से उसको देने के आदेश हो चुके हैं। पेंशनर को आयुष्मान योजना अथवा पेंशन बीमा योजना का लाभ दिया जाए। पेंशनर को 80 वर्ष पूर्ण होने पर 20% अतिरिक्त राशि दी जावे। नियमित कर्मचारियों की तरह पेंशनरों को भी 50,000 का उपादान दिया जावे। राज्य के पेंशनर को केंद्र के भांति 1,000 रुपये भत्ता दिया जाए। नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। और नहीं होता तो हम उग्र आंदोलन भोपाल स्तर पर करेंगे और शासन को परेशान कर डालेंगे कि हमारी मांगों को मजबूर कर देंगे। हाँ, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो इसका परिणाम इस शासन के लिए खतरनाक होगा। वोट की चोट हम मारेंगे तभी ये शासन को समझ पड़ेगी, अन्यथा ये हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे। मुकुंद सिंह सिसोदिया, जिला अध्यक्ष पेंशनर संघ खरगोन। पेंशनर्स अपनी मांगों के लिए आज जिला स्तर पर यह धरना कार्यक्रम और भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम राज्य शासन का ध्यान हमारी मांगों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। एक लंबे समय से हमारी जो मांगे हैं उसके ऊपर न तो कोई विचार किया जा रहा है और न उनका निराकरण करने के लिए कोई योग्य मार्ग अपनाया जा रहा है। आर ली जाती है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अनुबंध में धारा 49 ये आड़े आ रही है, इसको विलोपित किया जाए। हमारा जो 27 माह और 32 माह का पुराना एरियर है, माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश हो चुका है, उसके उपरांत भी राज्य शासन हमारी और इस आदेश की उपेक्षा कर रहा है। एक मांग और है कि जो एग्रेसिया दिया जाता है, हाँ एक्सग्रेसिया, वो कार्यरत कर्मचारियों और अध्यापकों को दिया जाता है, पेंशनर्स को भी उसकी स्वीकृति प्रदान की जाए। पेंशनर्स को 1,000 रुपया स्वास्थ्य की दृष्टि से चिकित्सा भत्ता भी स्वीकृत किया जाए। एक आग्रह और भी है, हमारे कई नए साथी जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं उनकी मांग भी स्वीकार कर ली जाए और उन्हें पुरानी पेंशन स्वीकृत की जाए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।